हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, एक और वैकेंसी के साथ आपके सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ JBT की जो टीचर वैकेंसीज़ हैं 2023 की, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। कितनी पोस्ट हैं, लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, क्या आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, क्या सिलेबस है, तो पूरा इस वीडियो में देखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो के एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तो चंडीगढ़ में फिर से एक नई वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है, जो कि JBT टीचर वैकेंसी। तो कितनी पोस्ट हैं, किस किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है चंडीगढ़ JBT टीचर वैकेंसी की। तो अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये वैकेंसीज हैं। और ये है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, यानी कि JBT की जो है ये पोस्ट हैं, JBT टीचर्स के लिए पोस्ट हैं। और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है 01/2023, और डेट है 3/6/2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर स्टार्ट की बात करें, तो ऑनलाइन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 20/7 से जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, 20/7 से, यानी कि 20 जुलाई से आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी 11 बजे सुबह से। और लास्ट डेट यानी कि क्लोजिंग डेट जो होगी वो 14/8 होगी, और फीस डिपॉजिट करने की जो डेट होगी वो 17/8 होगी, यानी कि अगस्त तक आप इसे भर सकते हैं। तो 20/7 यानी कि 20 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक आपके पास टाइम है, शाम के 5 बजे तक। और अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर 293 पोस्ट हैं JBT टीचर्स के लिए, यानी कि जूनियर बेसिक JBT टीचर जो हैं क्लास 1 से 5th तक, क्लास पहली से लेके 5th क्लास तक की ये वैकेंसीज हैं। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी कि JBT टीचर्स की, प्राइमरी टीचर्स की ये वैकेंसीज हैं 293 हैं। अगर जनरल की बात करें तो 149 वैकेंसीज हैं। OBC की बात करें तो 56 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। SC की बात करें तो 59 है, EWS की 29 है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 293 है। रिजर्वेशन यहाँ पर रखी गई है PWD के लिए 12 वैकेंसीज और ESM के लिए 29। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर जो हैं वो आउट हुई हैं JBT टीचर्स के लिए, तो जूनियर जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए। आगे बात करते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर रहने वाली है, और क्या पे स्केल यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो पे स्केल की अगर हम बात करते हैं, तो JBT टीचर्स का जो पे स्केल रहेगा वो 4200 ग्रेड पे है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी आपको दी जाने वाली है। 9300 से लेकर 34800 प्लस ग्रेड पे आपका 4200 का ग्रेड पे है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होगी यहाँ पर। 4200 ग्रेड पे बहुत अच्छी सैलरी होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ JBT प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि DL या फिर DED आपके पास होनी चाहिए, DL ED आपके पास होनी चाहिए। और बाय वट एवर नेम नोन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी कि 2 साल से कम का नहीं चलेगा। ड्यूरेशन रिकोगनाइज बाय द NCTE, तो रिकग्नाइज होनी चाहिए NCTE से। और DL DED जो भी है आपके पास, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। और या फिर अगर आपके पास ये नहीं है, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि BED आपके पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% एंड 50% एटलीस्ट 50% मार्क्स से, और आपके पास BED जो है वो होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि CTET आप जिसे बोलते हो, तो CTET आपका क्लियर होना चाहिए, कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय द NCTE। तो CTET आपका कंपलसरी है, CTET आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। नीचे बात करते हैं क्या आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि इन व्यू ऑफ DOPT लेटर 25,000 कैंडिडेट विल फुलफिल द कंडीशन रिगार्डिंग ICT एज अंडर सर्टिफिकेट और ICT स्किल कोर्स। 80 घंटे का आपके पास जो है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट होना चाहिए, 80 घंटे वाला, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विद एन ISO नंबर 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए, और या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सीडरेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स DOECCC ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और या फिर आपके पास NILET, फ्रॉम NILET से होना चाहिए, और इट्स अथोराइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए एज द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, के वक्त आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका 80 घंटे का एटलीस्ट होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, तो आपका जो मेरिट लिस्ट है, सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका पेपर होगा, यानी कि ऑप्शन वाइज आपके क्वेश्चन होंगे। वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो एक ही होगा, और 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, और आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कम से कम 40% मार्क्स तो आपको चाहिए पास होने के लिए।
ठीक है। और इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। तो इंटरव्यू नहीं है, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। कम से कम आपको 40% मार्क्स चाहिए यहाँ पर पास होने के लिए। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसा यहाँ पर दिखा रहा है कितने रहेंगे, 150 रहेंगे। टोटल नंबर मार्क्स 150 रहेगा। टाइम आपका 2 घंटे 30 मिनट का है। सिलेबस क्या है, जनरल अवेयरनेस आपके पास है जो कि जिसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। रीजनिंग एबिलिटी है, इसकी तैयारी भी आपको हमारे चैनल पे हो जाएगी। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगी हमारे चैनल से तैयारी। टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन यानी कि ICT 15 क्वेश्चन हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 10, टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चन होंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 10 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस 15 क्वेश्चन होंगे और सोशल साइंस 15 क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा सिलेबस है आपके पास, जो भी आपका एग्जाम होगा JBT का, जो जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा सिलेबस आपको फिर डिटेल में बता दिया गया है कि क्या किस कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। नीचे बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। तो 10th बेस जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन अप टू द 10th स्टैंडर्ड तक का आएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी 40% है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको ध्यान रखनी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा कट जाएंगे। तो 1/4 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टेड फीस बिफोर क्लोजिंग द डेट इशूड डिपार्टमेंट, रिटर्न एग्जाम उनका होगा यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा विदाउट चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका वेबसाइट पर आपका आंसर की जो है अपलोड कर दी जाएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको बुला लिया जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट जो है वो 21 से लेकर 37 साल तक की आपकी एज लिमिट है। आप 37 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसको फिलफिल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आपका जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगी, जो भी आपकी रिलैक्सेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फी जो है वो 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ है सबके लिए। आई थिंक ये सबके लिए, हाँ 1000 रुपीज़ है जनरल और OBC के लिए, और 500 है आपके पास SC कैटेगरी के लिए। 500 फीस है SC कैटेगरी की है, और जनरल और OBC वालों के लिए जो बाकी जो कैटेगरी रह गई है उन सबके लिए 1000 रुपीज़ फीस है। आपको 17 अगस्त से पहले पहले ये फिल करवानी पड़ेगी। बाकी जो भी है बायोमेट्रिक, ये आपका एप्लीकेशन फीस थी। आप लास्ट डेट जो है वो 14/8 है और 17 तारीख तक आप इसे एप्लीकेशन फ़ी को सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डेट दे रखी है तो 20/7 से ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी 11 बजे से सुबह। लास्ट डेट होगी जो होगी वो होगी 14/8 होगी 2023, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस 17/8 है। और डिस्प्ले ऑफ अ फी कन्फर्मेशन जो होगा वो 25/8 तक आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा कि आपकी फीस जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। तो ये थी हमारे पास इन्फॉर्मेशन पूरी। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 293 वैकेंसीज हैं, तो बहुत बढ़िया वैकेंसीज यहाँ पर निकली। 4200 का ग्रेड पे है, तो जो भी जिनके पास भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंडर आते हैं वो सभी इस वैकेंसी को फिल करें। और पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।